लीवर में ही आप लीवर ही कैसे है, क्योंकि लीवर उसे कहते हैं, आपका सर सिलेबस में जो दिया है ना, वो दिया है सिंपल मशीन, ठीक ना। तो मशीन उसे कहते हैं जो हमारे काम को आसान कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। तो आप सुने भी होंगे मशीन का डिफिनेशन, पेन की निब से लेके पेंट की जिब तक मशीन है। हर वो चीज जो हमारे काम को क्या कर दे, आसान। जैसे ये है तो ये हमारे काम को ऐसे हम पकड़ते हैं, ऐसे करके इसको हम तोड़ देंगे, ये हमारे काम को क्या किया, आसान कर दे। नहीं तो हम ऐसे तोड़ते तो नहीं टूटता। तो मामला ये है चला कि जहां पर, अब इसमें तीन चीजें हैं, एक तो जहां से हम प्रयास करते हैं, एक जहां पर वस्तु होती है, और एक जहां पर पेंच होता है। यहां से हम प्रयास करते हैं, यहां पर वस्तु होती है, यहां पेंच होता है, यही बात है। तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलक में तीन बिंदु का होना अनिवार्य है, प्रयास बिंदु, आलंब बिंदु। इसको पेंच को कहते हैं आलंब या फलक्रम, लोड पॉइंट, भार बिंदु। जहां पर वस्तु होती है उससे लोड पॉइंट, भार बिंदु, और जहां से प्रयास करते हैं एफोर्ट पॉइंट, और जहां पर पेंच लगा होता है आलंब बिंदु कहते हैं। अब गौर फरमाइएगा, अगर हम उत्तोलक को ड्रॉ करें यहां मान ले वस्तु है, यहां मान ले प्रयास करते हैं, प्रयास या आयास बिंदु कहिए, एफोर्ट पॉइंट, इसको कहते हैं लोड पॉइंट, भार बिंदु, इसको कहते हैं फ्लक्रम। आलंब बिंदु, फ्लक्रम बोले तो कौन बिंदु, आलंब बिंदु। इसको शॉर्ट में एल लिखते हैं, इसको शॉर्ट में एफ लिखते हैं, इसको शॉर्ट में ई लिखते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की भुजा को कहते हैं हम लोग, यहां से यहां तक की भुजा को कहते हैं आयास भुजा। यहां से यहां तक की भुजा को कहते हैं भार भुजा। भार भुजा बोले तो एफ एल, एफ एल, और आयास भुजा बोले तो एफ ई। ये हम ऐसा उत्तोलक बनाए हैं सर, ऐसा ये फुलक्रम पॉइंट हो गया। यहां पर अगर हम वस्तु रख देते हैं मान लीजिए ये वस्तु यहां लटका हुआ है, तो ऐसे हम उठाते हैं, ये हो गया प्रयास बिंदु, ये आलंब बिंदु, और यहां वस्तु है तो भार बिंदु, वही फिगर ड्रॉ। तो उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है, और किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। किसी भी मशीन की दक्षता कितना प्रतिशत से कम होती है, कितना से कम होती है, 100% से कम होती है। किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम। तो उत्तोलक भी एक प्रकार का मशीन है, इसकी भी दक्षता 100% से कम होगी। अभी ये उत्तोलक नहीं है, अभी ये उत्तोलक नहीं है, अभी ये रखा हुआ उत्तोलक नहीं है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे करने लगेगा तो उत्तोलक, यानी उत्तोलक में तीन बिंदु का होना अनिवार्य है, प्रयास बिंदु,
आलंब बिंदु भार बिंदु, क्लियर। जिसमें तीन बिंदु होगा वही उत्तोलक होगा। तो अब गौर फरमाइएगा, तो उत्तोलक कहता है क्या, कहता है कहता है उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्य को आसान कर देती है। इसकी सहायता से उचित बिंदु पर बल लगाकर किसी कार्य को आसानी से किया जा सकता है, उत्तोलक कहलाता है। इसकी दक्षता 100% से कम होती है। उत्तोलक में तीन बिंदु होते हैं, पहला है इसकी दक्षता कितना प्रतिशत से कम होती है, 100। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं, तीन। आयास बिंदु या प्रयास बिंदु, वह बिंदु जिस बिंदु पर बल लगाया जाता है प्रयास बिंदु कहलाता है। आलंब बिंदु, वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है उसे हम कौन बिंदु कहते हैं, आलंब। देखो जहां पर पेंच लगा है वही ना आलंब बिंदु। अगर इसमें देखोगे तो ये आलंब बिंदु है, यही ना आलंब बिंदु है। कहता है उसके बाद भार बिंदु, वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है उसे हम कौन बिंदु कहते हैं, भार बिंदु। उत्तोलक के प्रकार कौन कौन है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक देखिए, उत्तोलक में तीन बिंदु कौन कौन है, प्रयास बिंदु, वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है। देखिए ना, यहां पर अगर इस पर हम ऐसे से बल लगा रहे हैं तो यह बिंदु प्रयास बिंदु है। आलम बिंदु, वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है आलम बिंदु कहलाता है। वह बिंदु जहां पर क्या लगा होता है, पेंच, यहां पर पेंच लगा होगा तो बिंदु कौन बिंदु कहलाएगा, आलम बिंदु। भार बिंदु, वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है उसे हम कौन बिंदु कहते हैं, भार। देखिए अगर यह बिंदु है यहां पर वस्तु लगा हुआ है तो यह बिंदु हो गया भार बिंदु। अब जो तीन श्रेणी का उत्तोलक है, प्रथम द्वितीय और तृतीय, इसका उत्तोलक का अगर हम सिद्धांत की बात करें सर, तो उत्तोलक का एक सिद्धांत भी होता है। क्या सिद्धांत होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, भार गुना भार भुजा। इसी पर न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, भार गुना भार भुजा यानी FL बराबर आयास गुना आयास भुजा यानी FE। उत्तोलक का सिद्धांत यह है कि यह जो भार है ये भार गुना भार भुजा अब बराबर आयास गुना आयास भुजा। अब इसी से यांत्रिक लाभ निकलता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है, इसको सर उस साइड लेके चले जाइए, भार बटा आयास बराबर आयास भुजा यानी एफई बटा भार भुजा एफएल। फॉर्मूला होता है सर यांत्रिक लाभ का, पहले तो होता है भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा। अब जब इसको भार को इसी साइड रहने दिया, आयास को उस साइड से इस साइड लेके आ गए, तो भार बटा आयास, आई भार भुजा इस साइड चल गया तो आयास भुजा बटा भार भुजा, ई फॉर्मूला होता है एफ ई बटा एफ एल। अब मामला यह है कि याद नहीं रहता, तो याद नहीं रहेगा तो आप इसको याद रखिए, एफ एफ कॉमन है, ई पहले होता है एल बाद में होता है, तो ऊपर में ई होगा नीचे एल होगा। देखिए ऊपर ई होगा नीचे क्या होगा, एल होगा, ऊपर ई नीचे एल, एफ एफ कॉमन है। हमको अगर याद नहीं रहता देखिए हम क्या करते हैं, हम भी इसको सर याद नहीं किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि एक रट्टा मार के हम बैठे हुए, हम चूंकि एक तो हम लोग डेली प्रैक्टिस है तो याद रह जाता है, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो यांत्रिक लाभ का ही न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, भार इतना है आयास इतना है तो लाभ कितना होगा, एकदम छोटा सा न्यूमेरिकल। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि आया एफ ई बटा एफ एल, एफ एफ कॉमन है, ई पहले होगा एल बाद में हो, ई पहले होगा एल बाद में हो, एफ ई एफ ई घेर दीजिए, एफ ई हो गया तो ई कौन भुजा हो गया, भार भुजा गया आयास भुजा, ई हो गया तो आयास भुजन हो गया, ई बोले तो एफर्ट ना, एफर्ट बोले तो आयास, ई हो गया आयास भुजा।
आई हो जाएगा भार भुजा, बोला ने अगर यहां आयास होगा तो यहां भार होगा, और यहां भार होगा तो यहां क्या होगा आयास। इसको ऐसे प्रैक्टिस करना होगा। न्यूमेरिकल इसका एकदम सिंपल मोड का रहता है, कोई दो दे दे, ये दे देगा, ये दे देगा, ये मांग ले, भागा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। या नहीं तो कभी कभी आपको सेट में मिला होगा न्यूमेरिकल, भार दे देगा डब्ल्यू, प्रयास दे देगा पी, कहेगा भार इतना है प्रयास कितना है तो बताओ यांत्रिक लाभ कितना होगा। मिला है ऐसा न्यूमेरिकल, एकदम मिला हो, और नहीं तो वैल्यू दे देगा, फलना इतना है, चिलना इतना है, तो ढकेलना कितना होगा, भागा दीजिए एंड गेट द आंसर। क्लियर? इसका यही एक ही टाइप है न्यूमेरिकल का जो पूछता है। तो आपको क्वेश्चन में दोनों गिवन दैट लेगा, लेकिन खाली ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है बच्चा को, तो आप ऐसे याद रखिए जैसे हम बोले हैं, आपको एफ एफ कॉमन है, पहले ई बाद में एल होगा, और यहां आयास होगा तो यहां भार होगा, यहां भार होगा तो यहां क्या होगा आयास। क्लियर? याद रहेगा फॉर्मूला, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा सर। अब देखिए उत्तोलक तीन प्रकार का, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। कुछ नहीं है सर, फर्स्ट क्लास लीवर में अगर एफ बीच में रहेगा, कौन बीच में रहेगा, एफ बीच में रहेगा फर्स्ट क्लास लीवर, एल बीच रहेगा सेकंड क्लास लीवर, ई बीच में रहेगा थर्ड क्लास लीवर, एफ बीच में रहेगा, एल बीच में रहेगा, ई बीच में रहेगा, बाद बाकी कोई कहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एफ बीच में रहेगा तो कौन क्लास लीवर हो गया, फर्स्ट क्लास, एल बीच में रहेगा, ई बीच में रहेगा, एफ बीच में रहेगा, एल बीच में रहेगा, ई बीच में रहेगा। क्लियर? पढ़िए, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इस श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है, बाद बाकी कोई कहीं रहे। देखो तो आलंब यानी एफ बीच में रहेगा, कौन बीच में रहेगा, आलंब बीच में रहेगा। जैसे देखिए आप ये जो पिलास है, पेंच बीच में है, बोलिए ना, तो पिलास ले लीजिए, कैंची ले लीजिए, सरसी ले लीजिए, सब में पिंच बीच, पेंच बीच में ना होता है, यानी एफ बीच में है। एफ बोले तो क्या पेंच है ना, जहां वस्तु होती है उसे लोड पॉइंट। तो अगर एल वस्तु बीच में रहेगा तो सेकंड क्लास लीवर, प्रयास बिंदु बीच में रहेगा थर्ड क्लास लीवर। बोलो नी, पढ़ो। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में एग्जाम्पल हो गया कैंची, पिलास, सरसी, तराजू बताइए तो सर, पेंच बीच में है तो फर्स्ट क्लास लीवर हो गया। और उसके बाद आ जाइए नेल कटर, नेल कटर अगर आप देखे होंगे सर तो ऐसा कुछ होता है, यहां से फॉट लगाते हैं, ये फ्लक्रम है, यहां वस्तु है नाखून, लोड पॉइंट, तो बीच में फ्लक्रम हो गया, बोलिए ना। उसके बाद है साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक अगर आप देखे होंगे जनाब, तो साइकिल का ब्रेक में यहां से हम एफर्ट लगाते हैं ऐसे, और यहां देखिएगा इसे ऐसे करने वाला रहता है, देखे सर, ये हो गया सर आपका फ्लक्रम, ये हो गया लोड पॉइंट। तो साइकिल का ब्रेक आपका कौन श्रेणी का उत्तोलक, बीच में कौन है, एफ ना, बीच में एफ है तो कौन श्रेणी का उत्तोलक, फर्स्ट क्लास लीवर। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में रहेगा, कौन बीच में रहेगा, लोड बीच में रहेगा, यानी वस्तु ने बीच में रहेगा। आप सर खैनी काटने का मशीन या नींबू निचोड़ने का मशीन, देखिए सर बीच में वस्तु है, नींबू है ही, ये कौन सा पॉइंट होगा, फ्लक्रम की लोड, अरे यहां पेच है तो फ्लक्रम, यहां से प्रयास कर रहे थे फोर्ट ना, यहां वस्तु है तो लोड पॉइंट। ये नींबू निचोड़ने का मशीन है, खैनी काटने का भी मशीन सेम ही होता है, यहां वस्तु है तो लोड पॉइंट, ये फ्लक्रम है, ये एफर्ट पॉइंट हो गया। सरोता में भी सुपारी यहां रहेगा, बोलो न रे, एक पहिया कूड़ा गाड़ी, एक पहिया कूड़ा गाड़ी बीच में कौन, लोड बीच में, यहां से एफर्ट लगाते हैं,
उलंड, आई हो गया फ्लक्रम, कौन श्रेणी का उत्तोलक? बीच में एल है ना, देखिए यही इतने एग्जाम्पल होगा लगभग, इसमें भार बिंदु बीच में होता है, बाद बाकी कोई कहीं रहे, सरोता, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिया कूड़ा गाड़ी, खनी काटने का मशीन, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में रहेगा? ई, देखो चिमटा, देखिए यहां प्रयास करते हैं हम लोग ऐसे, बोलो रे, एफर्ट पॉइंट बीच में हो गया, यहां लोड हो गया, ये फ्लक्रम हो गया, ई बीच में है, थर्ड श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। और अगर हम मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ देखा है, ये बॉडी है जो निकलता है, ये ऐसे होगा, ये लोड पॉइंट हो गया, यहां पेच लगा है फ्लक्रम, और यहां बीच में एफर्ट हो जाएगा, ये क्या होगा? फ्लक्रम की लोड, अरे लोड तो वस्तु यहां है, ये फ्लक्रम नहीं हो जाएगा, पेच जहां लगा होगा वही ना फ्लक्रम रे, जहां पेंच लगा होता वही ना फ्लक्रम। किसान का हल, किसान का हल देखे हैं, जोते भी होंगे आप लोग, अगर आप किसान का हल देखे होंगे सर, तो यहां इसको पालो कहते हैं, ये हरीस है, इसको लगना कहते हैं, और दिस इज फार, जो फारता है, यहां पर कनेल होता है, और यहां लधा होता है, पार्ट बाय पार्ट हम समझा सकते हैं, ये हो गया हरीस, पालो, लधा, कनेल, लगना एंड दिस इज फार, यहां से हम लोग लोड देते हैं, यह प्रयास करता है जोतने का, और यहां होता है फ्लक्रम, क्योंकि कुछ भी फंसेगा ना, तो इसी के रिगार्डिंग ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं, कभी कभी इसमें कुछ फंस जाता था, ऐसे देखता है, ऐसे उठाता है, यह प्रयास करता है जोतने का, बीच में एफर्ट पॉइंट हो गया, एफर्ट हो गया तो कौन श्रेणी का उत्तोलक? तृतीय, देखो इसमें प्रयास बिंदु बीच में होता है, बाद बाकी कोई कहीं रहे, मनुष्य का हाथ, चिमटा, हल, उत्तोलक का सिद्धांत कौन दिया था? आर्किमिडीज। और सर आपको करना क्या है, इतना फिगर उगर एग्जाम हॉल में नहीं बना पाएगा तुम, तुमको भाई मेरे करना ये है कि तुमको याद रखना है एफएलई, इतने याद रखना है, और बीच में खोजना है, अगर एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है, एफ बीच में रहेगा, एल बीच में रहेगा, ई बीच में रहेगा, तो तुमको कोई क्वेश्चन देना, दे दे पिलास, तो कहना अच्छा पिलास है, बीच में कौन है? एफ, फर्स्ट क्लास। तुमको क्वेश्चन दे दे चिमटा, चिमटा दे दे तो कहना अच्छा चिमटा, बीच में क्या है? ई, एफ एल ई, थर्ड क्लास का लीवर, बोलो ना रे। तुमको कह दे एक पहिया कूड़ा गाड़ी, तो कहिया अच्छा एक पहिया कूड़ा गाड़ी, बीच में लोड है, एल बीच में है, एल बीच में यानी सेकंड क्लास लीवर, बोलो रे, नहीं बोलेगा। अब कहता है जनाब अगर कह दे ये क्या बोलते हैं खैनी काटने का मशीन, तो देखना बीच में खैनी है, लोड है, लोड है यानी वस्तु है, वस्तु है यानी सेकंड क्लास लीवर है, बोलो रे। अगर कह दे नींबू निचोड़ने का मशीन, तो देखना बीच में नींबू है, नींबू है इसका मतलब वस्तु है, वस्तु है इसका मतलब कौन श्रेणी का उत्तर? फर्स्ट की सेकंड, सेकंड ना, बोलो रे। तो तुमको याद, देखो ना जैसे कहे नींबू निचोड़ने का मशीन, तो तुम देखना अच्छा बीच में वस्तु है, लोड है, लोड है तो बीच में एल रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तुमको याद रखना है एफएलई, यही याद नहीं रहता कौन बीच में रहेगा तो कौन श्रेणी का उत्तोलक, तो तू याद रखो एफएलई एफएलई एफएलई, यांत्रिक लाभ का भी हम जुगाड़ बता दिए तुमको कैसे कैसे याद रखना है, एफ एफ ई एल, बोलो रे।